हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े नींबू का अचार। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं बड़े साइज़ के नींबू। इसे हमारी साइड गलगल कहते हैं, आपकी साइड पता नहीं इसे क्या कहते होंगे। आप भी इसे कमेंट में बता सकते हैं आपकी साइड इसे क्या कहते हैं। बट अभी हम इसको बड़े नींबू से एड्रेस कर रहे हैं। तो हमने इनको अच्छे से धो लिया है, धो के इसको थोड़ा सा सुखा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको दो पीसेस में काट देंगे जितने भी हमारे पास नींबू हैं। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 1 किलो के करीब नींबू लिए हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हो। तो इनको दो पीसेस में काटने के बाद हमें क्या करना है, इनका जो है वो थोड़ा थोड़ा रस निकाल लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नींबू में रस बहुत ज़्यादा होता है तो जो अचार होता है ना उसमें पानी रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको चाकू या किसी चम्मच से आप इसको हल्का हल्का बीच से प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है इसका रस निकाल लेंगे। रस इसका हमें पूरा नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा ही निकालना है। मतलब अगर आपके नींबू ज़्यादा रसीले हैं तो आप उसका आधा रस निकाल लीजिए और आधा वैसे ही रहने दीजिए। जो हमारे नींबू थे वो अभी थोड़े कच्चे थे तो इस पर थोड़ा कम रस निकला है। तो हमने फिर भी थोड़ा सा रस निकाल लिया है। इस रस को हम फेंकेंगे नहीं, जो भी ये रस बचा हुआ है इसको हम रख लेंगे और इसको हम बाद में कैसे पकाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको हम अलग से निकाल के रख लेते हैं। और जो बाकी का जो हमारे नींबू बचे हुए हैं जिनका हमने रस निकाला था, इनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पीसेस का अचार बनाना चाह रहे हो। अगर आपको थोड़े बड़े पीसेस काटने हैं तो जो आपका 1/4 ये जो बन के आया है, आप इसके 3 भी पीसेस की कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 से 5 पीस किए हैं। आप भी अपनी जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप अचार का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो जो इसी तरह से है, हम अपने सारे जो नींबू है उसको काट लेंगे। इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा मतलब मोटा नाइफ लेना है जो थोड़ा सा तेज़ हो, क्योंकि जो ज़्यादा अगर शार्प नहीं होगा नाइफ तो जो है नींबू का रस जो है यही निकल जाएगा। तो हमने सारे नींबू काट लिए हैं और इसी तरह से हम इसको बाउल में डाल लेंगे। और देखिए, हमारे सारे पीसेस कट के रेडी हो गए हैं। अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अचार बनाने का। तो किसी भी आप बड़ी कढ़ाई में या पैन में तेल डाल लेंगे। तेल यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच डाला है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे अचार जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है क्योंकि इसको पकने में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बाद में जो है अचार जो है ऑयल को रिलीज़ कर देता है। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया, हमने इसमें सारे ये अपने जो भी हमारे पास कटे हुए पीसेज हैं उनको हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको हमें हल्का हल्का पकाना है। अभी जो गैस है वो फुल फ्लेम पे ही है हमारी। इसको हमें फुल फ्लेम पे ही हल्का हल्का पकाना है ताकि जो इनका कच्चापन है वो हल्का हल्का चला जाए। अदरवाइज जो क्या होता है, इसके छिलके हल्के से कड़वे लगते हैं। जैसे नींबू के छिलके हल्के कड़वे होते हैं बाहर से, वैसे ही सेम इसका भी जो टेक्सचर होता है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मेथी। मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा कम ली है मेथी। आप चाहे तो 1/4 कप भी डाल सकते हो। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर राई डाली है। राई का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसमें खाने से। और साथ में मैंने यहाँ पर 1/2 कप के करीब जो है जो सौंफ, जो आप माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़ करते हो, वो डाली है। इसको सोया भी बोलते हैं कहीं कहीं। साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो आप डालिए। साथ में डाला है एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा और थोड़े से तेज़पत्ता। मिर्ची आपकी यहाँ पे ऑप्शनल रहेगी, आपकी चॉइस है। आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक जो है वो आप देखिए, कुछ लोग अचार में ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम। साथ में डाले हैं मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हल्दी के। हल्दी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और जो अचार है इसमें हल्दी काफ़ी प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है। वैसे तो अचार में खुद का ही प्रिजर्वेटिव होता है क्योंकि इसमें खट्टा होता है, विनेगर टाइप जो आप बोलते हो, जिससे बाद में विनेगर भी बनता है। तो जो है हम इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है। लेकिन जो मिक्स है इसको हमें धीरे धीरे करना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो एक जगह पर इकट्ठे ना हो जाएँ और जो पूरा अचार है उसमें इवनली मिक्स हो जाए। तो हम हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसको बड़ी कड़छी से भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे इसको धीरे धीरे ही मिक्स कर रही हूँ ताकि बिखरे नहीं। अब जैसे ही थोड़ा मिक्स हो गया, हमने इसमें डाल दिया है अदरक। ये सूखा हुआ अदरक है।
एक्चुअली हमारे पास बहुत सारा अदरक था तो हमने उसको थोड़ा सा काट के सुखा लिया था। आप इसको सन ड्राई भी कर सकते हो, आप इसको तवे पे भी सुखा सकते हो, या आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हो। ये सूख कैसा हो जाता है, और थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा लहसुन बचा हुआ था, वो काफ़ी सूख रहा था तो हमने उसको भी सुखा दिया। इनका जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने एक बार पहले बनाया था तो लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आया था, इसलिए इस बार मैंने इसको खुद से सुखा के रखा है। तो इस तरह से जो आपकी बची हुई मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, वो भी अचार में अच्छे से यूज़ हो जाएगा, और इनके बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। देखिए हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, गैस को हम स्लो फ्लेम पे ले जाएंगे। इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, गुड़ या फिर आप शक्कर डालो, या अगर आपको चीनी डालनी है तो आप चीनी भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अभी हमने गैस को स्लो कर दिया है और जो हमारा गुड़ है इसको भी थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ के आपको यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ी देर के बाद जो है वो पिघल जाएगा। और वैसे भी हमें अचार को काफ़ी टाइम तक लंबा स्टोर करके रखना होता है, तो गुड़ जो है वो धीरे धीरे पिघल जाता है। अब हम थोड़ा सा ढक्कन लगा के इसको कम से कम हमें 10 मिनट के लिए पकाना है। और देखिए जैसे ही ये इसमें थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाएगा, जो ये रस है वो छोड़ना शुरू कर देगा। अब इस टाइम पे अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा रस छोड़ा होता अपने नींबू में, तो यहाँ पे जो है वो सारा पानी ही पानी आपको दिखता। हालांकि वो पानी नहीं है, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और वो अब से खाया नहीं जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा हल्के हाथों से चला लिया है, ज़्यादा नहीं चलाया है इसको। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के या ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आपको ढक के छोड़ना है तो आपको इसको आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ोगे तो इसको आपको हल्का हल्का ठंडा ही करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, तो आपके लिए 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लोगे कि कैसा लग रहा है। हल्का हल्का ठंडा आप इसको हाथ लगा पाओ, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको दूसरे बाउल में डाल लिया है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट जो जार होता है जिसमें आपको इसको स्टोर करके रखना है, आप उसमें भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप जार में डालोगे जिसमें आपको इसको स्टोर करना है, तो उस जार को आप हल्का हल्का धुआं लगा लीजिए, या हल्का सा अगर आप पानी बॉयल कीजिए और उसमें उसको स्टीम लगा लीजिए। हल्का हल्का उसको स्टीम करना ज़रूरी रहेगा। तो हमने इसको कांच के बाउल में डाला है, इसको हम ढक के रखेंगे कम से कम 2 से 3 दिन तक। अब 2 से 3 दिन के बाद इसको देखेंगे, ये हल्का हल्का पक चुका होगा। तो अचार को तो हमने रख दिया है स्टोर होने के लिए, पकने के लिए। तो चलिए जो हमारा बाकी का जो रस बचा था नींबू का, उसका हम विनेगर बना लेते हैं। विनेगर बनाना बहुत ईजी है, ये आपका कहीं भी यूज़ हो जाएगा। अगर आपको कोई और अचार बनाना है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये भिंडी के अचार में, जो आजकल सर्दियों में गोभी शलजम का अचार बन रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी कढ़ाई में इसको डाल लिया है। इसके साथ हमने डाला है थोड़ा सा नमक, ताकि जो हमारा विनेगर है उसका टेस्ट ख़राब ना हो, वो कड़वा ना हो, और जो है वो अच्छे से पक जाए और लंबे टाइम के लिए चले। इसको हमें फुल फ्लेम पे पकाना है जब तक इसमें थोड़ा सा बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही इसमें बॉयल आने लग जाएगा, हम गैस को स्लो कर देंगे और एक छन्नी की हेल्प से जो इसके ऊपर आपको झाग दिख रही है, इसको निकाल लेंगे। जो ये झाग है वो आपके विनेगर को ख़राब कर देती है बाद में, तो ये झाग निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और झाग को हमें अच्छे से निकालना है, जो हमें विनेगर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके विनेगर में कभी भी फफूंदी नहीं लगेगी। अगर आप इसको झाग को नहीं छानोगे तो इसमें फफूंदी लग जाएगी। तो देखिए हमारा जो विनेगर है वो अच्छे से पक के ठंडा हो गया है, हमने गैस बंद कर दी है। आप चाहे तो इसको किसी भी कांच की बोतल में या जार में स्टोर करके रख सकते हो, या अगर आपको कोई अचार बनाना है तो आप डायरेक्टली इसको किसी अचार में डाल के यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है, और आर्टिफिशियल जो हम विनेगर डालते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर टेस्ट देता है। तो देखिए हमने इस अचार को 3 दिन के बाद खोल के देखा है, ये काफ़ी अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अगर आपने इसको कांच के डब्बे में डाला है या किसी बर्नी में डाला है, तो आप इस अचार को धूप में रखिए, क्योंकि इसको हल्की हल्की धूप की ज़रूरत होती है। मैंने तो इसको जो अभी जो मैं कांच के डिब्बे में डाल रही हूँ, इसके बाद मैंने इसको 2 से 3 दिन तक धूप में भी रखूँगी। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, और अच्छे से पक भी जाता है, और जो है जल्दी खाने लायक बन जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे तो आपको इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखिए हमने अपना जार भर लिया है, अब हम इसको ढक के रख लेते हैं।
अब हम इसको 2 दिन के बाद भी देखेंगे अगर, तो ये देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। आप इसको खा के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर ये 1 महीने बाद अगर आप इसको देखोगे या 2 से 3 महीने बाद, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने पहले बना के रखा था और ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें हल्का भी कड़वापन नहीं रह जाता है, ये काफ़ी खट्टा मीठा अचार बनता है। तो आप भी इसको अपने घर पर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।